हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंचल पंत व्लॉग्स में। आज दो तीन दिन के बाद मैं डायरेक्ट व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी तो इस कारण से आज आपसे सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फिर से शुरुआत कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं आज नैनीताल में क्या क्या होने वाला है। और आज पूरा नैनीताल का जो मौसम है बदला हुआ है, तो चलिए चल करके दिखाते हैं आपको आज कैसा है नैनीताल और किस तरह की है नैनीताल में आज के दिन की हलचल। और अगर बने रहिएगा इस ब्लॉग में, और अगर अभी तक आपने इस ब्लॉग को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा करके शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और चल करके आपको दिखाते हैं कैसा है नैनीताल। तो मैं अपने अभी वही फेवरेट डेस्टिनेशन पे खड़ा हूँ, बस स्टैंड पे डांट पे, और डांट से आपको आज नैनीताल का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर धूप नैनीताल में आज खिली हुई है, ठंड जैसे बिल्कुल चली गई है। हालांकि एक वेदर का अपडेट कल के लिए आया है, 29 और 30 तारीख को मौसम में बदलाव आ सकता है और तेज़ बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बीते दो दिनों से नैनीताल में बहुत शानदार धूप खिली हुई है, तो अच्छा एक यहाँ पे को मौसम है और ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। लेक में ज़रूर आज दो तीन दिन से काफ़ी गंदगी दिखाई पड़ रही है जो किनारों पे है, ये आप देख सकते हो। मछलियाँ भी यहाँ पे को आ रही हैं, लेकिन ये जो लेक का ये वाला पोर्शन है इसमें ये आप सामने देखेंगे तो काफ़ी गंदगी आपको वहाँ पे को दिखाई पड़ेगी। टूरिस्ट आज बहुत काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे को है और बोटिंग का आनंद ले रहा है टूरिस्ट। और मेरे इधर अगर आप देखेंगे, जब मैं कैमरे को पैन भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डांट में भी टूरिस्टों की अच्छी खासी संख्या, यहाँ पे भीड़ टूरिस्टों की यहाँ पे को दिखाई पड़ रही है। तो नैनीताल में इस समय जो है मौसम बिल्कुल बदल चुका है। नैनीताल में धूप खिली हुई है, अच्छी तेज़ धूप है और इस धूप के कारण सैलानी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे को इस समय आए हुए हैं और नैनीताल में बोटिंग और इन सारी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। तो घूमने के लिए तो इस समय बहुत अच्छा मौसम है, पूरा नीला आसमान यहाँ पे को दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक ज़रूर एक अच्छा वो भी है। हालांकि एक ये भी कहा जाता है कि जब नैनीताल में इस तरह की धूप खिली होती है तो उसके बाद अगले ही दिन फिर यहाँ पे को मौसम पलट जाता है। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको आगे का भी क्या इस तरह का है यार। और इस चटक खिली धूप का आनंद सैलानियों ने भी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देख सकते हो आज बोटिंग भी काफ़ी संख्या में हो रही है, खुला नीले आसमान में बोटिंग नैनी लेक में करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो टूरिस्ट ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी है कि बोटिंग का पूरा आनंद उठा रहे हैं और पूरा लेक में आज अच्छी खासी संख्या में बोटिंग करते हुए सैलानी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सीन आज ये बन करके आ रहा है नैनी लेक का, बहुत दिनों के बाद जनवरी के महीने में इस तरह का हालांकि ये देखने को मिल रहा है ऐसा मौसम और इस तरह का सीन यहाँ पर को नैनीताल में। हम इस समय मॉल रोड में हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं सैलानियों की ठीक ठाक संख्या यहाँ पे जनवरी के अंतिम दिनों में दिख रही है। तो मौसम का बदलाव एक ज़रूर एक बहुत बड़ा कारण है। वीकेंड भी था, 26 जनवरी के बाद का एक वीकेंड ये आया हुआ है, तो सैलानी ठीक ठाक संख्या में दिख रहे हैं नैनीताल में इस समय। और लग ही नहीं रहा है कि ये जनवरी का महीना है, यहाँ पे को देख करके तो बहुत इस समय ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अप्रैल के महीने की शुरुआत जो होती है उस समय का मौसम ये नैनीताल का लग रहा है। शाम के 8:30 बजे के लगभग है और हम अब वापस घर को जा रहे हैं मॉल रोड होते हुए। मॉल रोड में इस समय आप देख सकते हो ये शुरुआती पॉइंट है और ठीक ठाक भीड़ दिख रही है आज मॉल रोड में शाम के समय भी। नैनीताल में आज रश अच्छा खासा है, शनिवार का दिन है तो थोड़ा सा जो हल्द्वानी और आसपास के शहरों के लोग हैं वो भी ज़रूर आए हैं। मौसम ठीक ठाक रहा है हल्द्वानी और इधर नैनीताल में भी, तो घूमने के लिए वीकेंड इन्जॉय करने के लिए लोग काफ़ी यहाँ आज दिख रहे हैं। मॉल रोड में भी चहल कदमी
काफ़ी टूरिस्टों की दिख रही है, गाड़ियों का रश भी है, चहलकदमी भी हो रही है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम जनवरी के महीने में हैं और इतनी ठंडक भी नहीं है। तो आराम से मतलब आप वॉक करते हुए हाथों में बिना ग्लव्स के भी आप बिल्कुल चल सकते हो। तो नैनीताल का मौसम बिल्कुल बदल सा गया है एकदम से, इधर बीते 3-4 सालों में ऐसा परिवर्तन आया है। पिछले साल इतना नहीं था, पिछले साल तो लगा था कि जो जनवरी का महीना था वो ठंड में बीता था, लेकिन इधर इस साल तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है कि ये जनवरी का महीना है और ठंड भी कुछ चीज़ है, ठंड का नामो निशान गायब हो गया। बाकी देखिए कल की जो वेदर फोरकास्ट है वो कितनी सटीक और प्रभावी होती है ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि पहले की जो दो वेदर फोरकास्ट आई हैं वो दोनों ही वेदर फोरकास्ट बिल्कुल अपने में फेल हो गई हैं एक तरह से, उतना प्रभावी नहीं, वो सटीक बिल्कुल नहीं बैठ पाई है। तो लेट्स सी कल को क्या होता है, कल तो कल ही बता पाएंगे कि कल की वेदर फोरकास्ट में कितना ज़्यादा वो अपना इफेक्टिवनेस आती है उसकी। और इस समय तो अब हम यहाँ पे अपने जो अपने चांदनी चौक रेस्टोरेंट है इसके आगे पहुँच गए हैं, अभी आज अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा आपको आगे को लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं आगे किस तरह का है मार्केट में मॉल रोड का हाल और किस तरह की टूरिस्टों की भीड़ वहाँ पे को दिख रही है। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. और ये लाइब्रेरी के पास का एरिया बिल्कुल लाइब्रेरी दुल्हन की तरह सजी हुई सी लग रही है, बहुत ही मस्त इसका फोटो व्यू आ रहा था, मैंने सोचा आपके लिए कैमरे में इसको कैद कर लूँ, बड़ा ही शानदार हो रहा है। और ये बगल में सीवर लाइन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आजकल मॉल रोड में उतना खुल कर के चलना नहीं हो पाता है जितना पहले से बाकी टाइम में चलना होता था। एक बहुत बड़ा सीवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये नैनीताल में चल रहा है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा मॉल रोड में चलने में डिस्टर्बेंस तो है ही है, लेकिन लाइब्रेरी का शौक बहुत प्यारा सा ये लग रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला करके दिखाते रहें। तो बने रहिए अंचल पंत व्लॉग्स में और अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।